क्योंकि समय हमारा हो गया है और मैं हमेशा हमारा ये प्रयास रहा है कि हम सही समय पे शुरू करें, कम से कम अकादमिक कर्म में कभी भी हमें किसी प्रकार के जो है वो विलंब नहीं करना चाहिए और उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी ने हालांकि ये बड़ी सुविधा दी है कि हम सभी अकादमिक कर्मों को सही समय पे आरंभ करें, लेकिन स्वभाववश जो है वो हम इसमें कहीं ना कहीं प्रमाद करते रहते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार हम फिर इन विषयों के साथ जुड़ते हैं। तो सीधे हम विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी बात करते हुए कहा था कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर जी, सेना मेडल जिन्होंने विजित किया था, और फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुना, वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं अपने समय पर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वस्तुतः ये विषय उन्हीं पर निर्भर करता है, उन्हीं के अनुभवों और उनकी मेहनत पे ये सारा का सारा विषय उससे संबंधित है। इस विषय के कुछ बातें आपके साथ मैं पूर्व में साझा कर लेता हूँ अगले 5-7 मिनट में, और उसके बाद मेजर एसएन मिश्रा जी जो हैं, माथुर साहब जो हैं, वो आपके साथ चर्चा आरंभ करेंगे और आपको जो हमारी प्रपोजल है उस विषय में वो आपको अवगत कराएंगे, और बल्कि वो बात ही अपनी वहां से शुरू करेंगे। तो हमने जो आज का विषय रखा है वो है यूरोप में लुप्त प्राय संप्रदायों एवं समुदायों का सनातन धर्म से ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की समीक्षा, कि ये रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशनशिप जो यूरोपियन ऑब्सोलिसेंट रिलीजियस सेक्ट्स और कम्युनिटीज हैं उनका सनातन धर्म से क्या संबंध है और कैसा रहा है और कब से रहा है, और इतिहास में इन चीजों को कभी उभारा नहीं गया, दबा दिया गया, और किस तरह से विकृतियां उसमें पैदा करके हमें अलग ही तरह का इतिहास बताया गया है, ये सारे के सारे उस विषय को विवेचित करने का आज लक्ष्य है। तो जैसा कि आप ये अपनी स्क्रीन पे नीचे देख पा रहे हैं कि केल्टिक वर्ल्ड, जिसके ऊपर ये पुस्तक इस वक्त यहाँ पर हम उसकी चर्चा भी करेंगे जो कि माथुर साहब के द्वारा लिखी गई है, केल्टिक वर्ल्ड का मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न जो यूरोप है, ये लगभग वो सारा क्षेत्र आ जाता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे की ओर। ये सारा का सारा एरिया केल्टिक वर्ल्ड का है और ये लगभग 400 BCE बिफोर कॉमन एरा जो है ये वो वाला एरिया है जहाँ पर इंडो यूरोपियन लोग आकर के रहे और उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति विकसित की, जिसका संबंध भारत से है और वो अगले कुछ एक पलों में आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। और ये सारी की सारी बातें प्रमाणिक हैं, कोई सुनी सुनाई या गप वाली बात इसमें कहीं नहीं है। आप इसमें 2-3 शब्दों को जरूर ध्यान रखें कि जब इस तरह के विषय से हम परिचित होते हैं तो उसकी कुछ शब्दावली भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो है कि एक तो बार्ड्स शब्द जो है वो आपके लिए नया होगा, ओवेट्स शब्द नया होगा, और ड्रुइड्स, ये सारे के सारे हमारी जो भारतीय परंपरा की संस्कृति है उसमें जो द्विज हैं, पुरोहित हैं और इस तरह के कवि हैं, ये शब्दावली उनके उनसे संबंध रखने वाली है। और दूसरी तरफ ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इन लोगों का उत्सव है, इनकी अपनी जो याज्ञिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, याज्ञिक क्रियाएं मैं नहीं कह रहा अभी, लेकिन जो धार्मिक क्रियाएं हैं ये उसका एक नमूना है। और इनके जो सिंबल्स हैं उनमें से विशेष रूप से एक ये जो सिंबल है, प्रतीक है, सॉरी ये वाला और ये दोनों स्वास्तिक से संबंध रखते हैं। आप ये देखिए कि 400 BC पूर्व जो है, बिफोर कॉमन एरा जो है, उस वक्त स्वास्तिक अगर यहाँ पहुंचा हुआ है और अन्य चिन्ह अगर वहां पे पहुंचे हुए हैं तो आप अनुमान कर सकते हैं कि वहां की संस्कृति किस तरह से विकसित हो रही होगी। और इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए मेजर साहब ने अपने परिश्रम से ये पुस्तक लिखी, हिंदू के केल्टिक स्वजन। स्वजन इसलिए क्योंकि वो अपने ही सगे संबंधी हैं, हमारे से ही वहां तक गए हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक रुचिकर विषय है। तो इस भूमिका को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें।
अब इस बात को भी थोड़ा सा देख लें कि जिस वक्त क्रिश्चियनिटी अपने आप को अभी परिभाषित नहीं कर पाई थी और वो इस बात के लिए अपने को डिफाइन करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसमें उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल सवाल था, व्हाट शुड वन बिलीव एंड हाउ शुड वन लिव टू बी ए प्रॉपर क्रिश्चियन। ये उससे पहले की संस्कृति की हम बात करने जा रहे हैं। और अगर मैं ये बात आपसे कहूँ जो कि आप लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग होगी, क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से ना तो इतिहास को देखा, ना हमने सोशल साइंसेस को कभी देखा, ना कभी किसी ने जिक्र किया। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि पूर्व में ब्रिटेन के शासक हिंदू थे, तो ये एक आपके लिए शॉकिंग बात हो सकती है, आपको ये मजाक लग सकता है, लेकिन इसके प्रमाण मेजर साहब आपको देंगे। उनकी सामाजिक संरचना सनातन संस्कृति से मेल खाती है, अगर इस बात का भी दावा करूं तो आप लोग इसको ब्रश असाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह की सामान्य रूप से एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे, सरकारी तौर पर पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन उसके भी प्रमाण आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा ये जो गुरुजन द्विज, ड्रुइड्स जो शब्द मैंने अभी प्रयोग किया था, ड्रुइड्स का मतलब होता है द्विज, गुरुजन जिनको आप गुरु कहते हैं, और बार्ड जो है वो कवि हैं, और पुजारी जो व्रात्य हैं ओवेट्स, इस तरह की है। और वहां पर आपको आश्रम व्यवस्था जो है वो भी देखने को मिलती है, जो कि ओक वृक्ष जिसे आप कहते हैं, एकांत स्थान वृक्षों के झुरमुट का, वहां पर आपको आश्रम व्यवस्था का भी स्वरूप देखने को मिलता है, और आज भी वहां पे गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आप केवल इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर फोकस कर लीजिए ताकि मुझे ज्यादा समय ना लेना पड़े इस सारे विषय पे। और आज भी वहां पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि परशुराम जो हैं वो आज भी वहां के देवता हैं, और बड़े प्रसिद्ध और आदर वाले देवता हैं जिनको डागडा कहा जाता है। और इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं जिनको मेजर साहब भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो ऐसे जो बिल्कुल एक नए तरीके का ज्ञान है, नई खोज है, नए संदर्भों में उसको हम किस तरह से समझें और कैसे उसको मेन डिस्कोर्स में लेकर के आए, इस सारी बात को आज हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपके लिए होने जा रहा है, और इसको फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और ज्यादा जो विस्तार है उसको हम देखेंगे। डॉक्टर साहब की ये पुस्तक है जिसमें यही सारी बातें हैं कि जैसे आयरलैंड का एरिया, केल्टिक रीजन में आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे तारा नमक द्विजों में पौराणिक आश्रम में स्थित शिवलिंग की महत्ता भारत के उज्जैन महाकाल के समान है। और जिस तरह की गंगा यमुना सरस्वती संस्कृति से हम लोग पहचाने जाते हैं, वैसे ही वहां की संस्कृति दान डोनोबे संस्कृति कहलाई, और दोनों में बहुत अधिक समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। और उसमें जो उनके पर्व हैं, उत्सव हैं, वो सनातन धर्म के पर्वों के साथ बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, और दिवाली उनका नववर्ष होता है। और इसी तरह से आपको वहां पे भगवान शिव, विष्णु, मत्स्यावतार, वराहावतार, ये सारे के सारे मिलेंगे जिनके ये नाम उन्होंने हमें साथ दे रखे हैं, और विस्तार पूर्वक अपने पुस्तक में इन सब का उन्होंने वर्णन किया है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जिन अन्य देवी देवताओं को स्वीकार किया है केल्टिक रिलीजन में, वो धन्वंतरी, देवी दानु, देवता, इस तरह के देव ऋषि, इंद्र, मनु, दैत्य आदि आदि, ये सारी शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा काम करने के लिए जिन व्यक्ति ने इतना उत्साह रखा, जिन्होंने अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ लगा दिया, मैं उनसे आपका परिचित कराना चाहूंगा और उनका आदर और सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करना चाहूंगा कि मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर SM सेवानिवृत्त, सेना सेवानिवृत्त हैं, और सेना के, जैसे कि मैंने बताया है, सेना मेडल अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए सेना मेडल से भी वो सुशोभित हैं। और इस वक्त वर्तमान में वो विश्व विभाग प्रमुख हैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में। और इसके अतिरिक्त वो भारत पाक युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें सेना मेडल वीरता पुरस्कार के रूप में मिला। इसके अतिरिक्त उनके और, अगर आप देखें कि पाल नौका के द्वारा पूरे विश्व की जो परिक्रमा है वो उन्होंने किया, और इसके अतिरिक्त उनको कई तरह के सम्मानों से भी
सम्मानित किया गया है, कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और वो फॉर्मर जो हैं वो प्रोफेसर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूना, और इसके अतिरिक्त वो नौकायन, पाल नौकायन, पोलो और उन सब क्रीड़ाओं के वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक भी रहे हैं। और उनकी ये पुस्तक है जिसके आधार पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसका नाम, जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, हिंदू के केल्टिक स्वजन। एक दो बातें मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं इस सारे विषय को टटोल रहा था, ढूंढ रहा था, तो मुझे और भी देखने को मिला कि जो इटली है, उस इटली में जो रवानास पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, सिटी भी है, और वहाँ की जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं वो आपको रामायण की पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कि बीसीई पूर्व के चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं आकृतियाँ, पैनल देख रहे हैं उसके मेटल के, तो यहाँ पर आपको जो है वो आप नीचे देखिए तो आपको यहाँ पर चैरियट का ये पैनल है जिसमें बियर्डेड रामा वो जो है एक सीता से शील्ड ले रहे हैं। इटली में आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बातें हमने कभी ना किसी ने बताई ना खोजी, वही घिसे पीटे पीएचडी के टॉपिक्स लेकर के हम अपना काम चलाते रहे, लेकिन इन चीजों को हमने कभी नहीं देखा। ये एक है। इसी तरह से और आप देखना चाहें तो आपको एट्रूस्कैन सिविलाइजेशन में जो इंडियन माइथोलॉजी के आपको संदर्भ देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे जो आपको संदर्भ जो हैं रामायण से देखने को मिलते हैं, और इनके डिटेल्स आप जो हैं वो नेट पे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं ये। और उसी रथ का पैनल एक और है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि रावणास विंग्ड चैरियट सबड्यूस सीता, ये यहाँ पे चित्रित है, यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखना शुरू करेंगे, हालांकि मेजर साहब आपको सारा विस्तार पूर्वक बताएंगे इस सारे विषय में, तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम लोगों को अनभिज्ञ रखा गया है। अब वो षड्यंत्र के रूप में रखा गया या सचमुच हम लोग नहीं उस विषय में जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, तो कैसे इन सब संदर्भों को, इन सब बातों को हम उभार करके सामने लाएं और फिर से नए इतिहास को हम लिखना शुरू करें। अन्यथा तो हम इतिहास जो है वो लूटपाट का और स्वनिंदा का ही पढ़ते रहेंगे। तो इन सब बातों को हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक कॉन्फ्रेंस 2009 में हुई थी जहां पर जितने माइनॉरिटी सेक्ट्स थे उनके हेड्स वहां एकत्रित हुए थे और वहां पर उन कॉमन एलिमेंट्स को सामने लाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में, और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और हिंदुइज्म के साथ उसके क्या संबंध है, इन सारे विषयों के ऊपर उसमें चर्चा हुई थी। इसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपके साथ पहले ही साझी कर रखी हैं, तो इस विषय में मैं नहीं जा रहा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर जी को, कि वो हमारा इस विषय में मार्ग निर्देशन करें, हमारे ज्ञान का विस्तार करें। लेकिन उससे पूर्व वो इस विषय में, जो कि हमारे कुछ संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग हैं कुछ से मैं परिचित नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले जो आपकी योजना है कि इन फॉरनर्स को यहाँ बुलाया जाए, उनके लेक्चर्स और उनके इंटरेक्शन जो है यहाँ के लोगों के साथ कराई जाए, तो उस विषय में आप उनको बताएं और उनको ये भी आश्वस्त करें कि उनका कोई खर्चा नहीं होगा, वो खर्चा जो है वो हम देख लेंगे। तो केवल आपने लेक्चर ऑर्गेनाइज करने हैं, इंटरेक्शन करवानी है और केवल स्टे का करना है, तो वहां से आप अपनी बात आरंभ करें। तो आप सादर आमंत्रित हैं सर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? प्लीज शेयर। स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ जी प्लीज कीजिए। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे एक एरो है प्रेजेंट नाउ, उसके ऊपर।
नीचे एक एरो बना हुआ है हाथ के साथ, ओके, हाँ उस पर आप जाइए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जी अब आप अपनी, हाँ जी आ गया, अब आप अपना जो पीपीटी है उसको ओपन कर लीजिए। जी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी हाँ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी को दिखाई दे रहा है ना? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत संक्षिप्त में विषय को रखूंगा। जैसा आशुतोष जी ने बताया, ये हमारा जो पूरा शोध है, ये शोध पुस्तकों से नहीं लिया हुआ है। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये उन देशों के गुरुजनों ने हमें इसकी जानकारी दी है। इसलिए कई चीजें आपको पुस्तकों में नहीं भी मिलेंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय आशुतोष जी ने रखा है कि क्योंकि ये सारा ज्ञान और तालमेल उन गुरुओं से व्यक्तिगत मिलने से होता है, ज्ञान एक्सचेंज होता है, इसलिए हम उनको भारत लाते हैं, हम जाते हैं, और यहाँ जब आते हैं हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप जैसे विद्वान विद्वान व्यक्तियों से उनका परिचय हो, आपकी वार्तालाप हो, और उसमें वहां से आने जाने का खर्चा हम उठाते हैं। आपके यहाँ आएंगे तो आप स्थानीय, आप किसी भी अतिथि को जैसा रखना चाहते हैं आप रखें, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि होटल में रुकवाएं, घर में भी रुका सकते हैं। विदेशी है, उनकी कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये हमारा 25 साल का प्रयास है। और तो आज जैसा आशुतोष जी ने बताया कि आज भी हम सिद्ध करेंगे कि ब्रिटेन के शासक हिंदू थे, आज भी हैं वहां, वो लोग आज भी हैं, वो लुप्त तो नहीं हुए हैं। पूरा यूरोप में सनातन संस्कृति है, उसकी एक झलक दिखाएंगे। हम इतने देशों में काम करते हैं आज, लेकिन हम सबसे ऊपर जो आपको दिखाया केल्ट, केवल इसी के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप प्रश्न कर सकते हैं, और उसके बाद समय बचेगा तो बाकी जितने समुदाय हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम केल्ट्स के बारे में सबसे पहले आज आपको बताने वाले हैं, ये केल्ट्स कौन है। तो पूरे यूरोप में जो केल्टिक लोग हैं वो दानू देवी को पूजते हैं। ये दानू देवी कौन है? तो ये दानू नदी है, जैसे भारत में गंगा यमुना संस्कृति है, तो ये जो केल्टिक लोग हैं और बाकी अन्य लोग भी यूरोप के कल्चर को दानूबी कल्चर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये नदी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और ये 10 बड़े महत्वपूर्ण देशों से गुजरती है, 4 वहां की कैपिटल सिटी से गुजरती है, और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि ये इंटरनेशनल वाटर है। इंटरनेशनल वाटर का मतलब कोई भी इस नदी में जा सकता है, उसके लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पोर्ट पे जाएंगे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने पूरे विश्व की परिक्रमा करी, तो आप पोर्ट पे जाकर के आप 7 दिन का वीजा ले सकते हैं, अगर आप यॉट में है तो। आप अगर नौका में है तो ये इंटरनेशनल लॉ है। तो ये इंटरनेशनल वाटर्स है आज भी, क्योंकि पूरे यूरोप की संस्कृति का ये नदी को मानते हैं, ये दानूबी कल्चर है। तो दानूबी कौन है? दानू कौन है? दानू ऋषि कश्यप की पत्नी है, उनकी अनेक पत्नियां थी। और जो दानू है वो अपने आप में, उसका संस्कृत में मतलब है द्रव्य, बूंदे या मिस्ट, ये संस्कृत में दानू का अर्थ है। और क्योंकि आपको पता है इंडोनेशिया हजारों द्वीपों से बना हुआ है, वहां पर ये सर्वाधिक पूज्य देवी है। वहां के प्रमुख देवता भगवान परशुराम है, उनको क्या बोलते हैं हम आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं। भगवान परशुराम को स्पेलिंग के हिसाब से कोई भी भारतीय उनको दगदा बोलेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये दंदा है। दंदा का मतलब डंडा, उनको दंदा बोलते हैं। और उनको इंग्लिश में बोलते हैं
गॉड विथ बैटल एक्स एंड कॉल्ड्रॉन, मतलब भगवान जिसके हाथ में फरसा और कमंडल है, और उनको दगदीश भी बोलते हैं। ना इसका जो सबसे प्रामाणिक इतिहास में जो पुस्तक मिलती है वो जूलियस सीजर और गॉल देश में हुए युद्ध में जो जूलियस सीजर की विजय हुई थी, तो जूलियस सीजर द्वारा लिखित पुस्तक में इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है, लिखित प्रमाण मिलता है। वो युद्ध हुआ और ये जो कैल्टिक लोग थे वो गॉल देश के वहां के राजा होते थे। गॉल देश क्या है, ये अनेक देशों से मिला हुआ एक देश होता था जिसके अंदर फ्रांस होता था, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, बहुत बड़ा राज्य था। आपने शायद वहां के फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम सुना होगा, चार्ल्स डी गॉल, तो ये वही गॉल देश है। तो वर्तमान में अनेक देशों में आज भी हैं ये लोग। पौराणिक काल में ये देखिए किस तरह से ये कैल्टिक लोग पूरे यूरोप में कैसे फैले हुए थे उसका एक चित्र है। इसके अंदर मुख्यतः मैं ये कहूंगा आज की तारीख में जो कैल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं वो है आयरलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम जिसमें स्कॉटलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है, कॉर्नवेल भी आता है, साथ में एक छोटा सा द्वीप है आइल ऑफ मैन, ये आइल ऑफ मैन है, छोटा सा द्वीप है आइल ऑफ मैन, ये भी इस कैल्टिक कंट्रीज में आता है। ये ब्रिटनी आता है जो गॉल देश के अंदर है, साथ में स्पेन और पुर्तगाल, बीच में आप देख सकते हैं एक जगह हॉलस्टेड टेरिटरी। तो ये हॉलस्टेड कल्चर अपने आप में पौराणिक कैल्टिक कल्चर कहलाता है, और ये हॉलस्टेड जो जगह है ये ऑस्ट्रिया में है। एक्सक्यूज मी सर, समाने में हाँ जी सर, ये बीच में स्क्रीन में आपका एक वो आ रहा है लिंक, उसको हाइड कर दें क्योंकि ये रिकॉर्ड होने जा रहा है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट्स गोइंग टू बी मेड। बीच में जो दिख रहा है ना सर, हाँ थैंक यू सर। ओके, सो ये जो हॉलस्टेड है ये हॉलस्टेड कल्चर कहलाता है। किसी जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये ऑस्ट्रिया के अंदर है, और ये ऑस्ट्रिया का जो राजा था सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे यूरोप में बहुत प्रभावशाली था। और ये जो कैल्टिक लोग हैं ये हॉलस्टेड वहां पर नमक की खाने हैं, और उसके पास एक लेक है जहां से ये लोग झील से पानी डालते थे नमक की खानों में, और बेम्बू पाइप से 100-150 किलोमीटर तक नमक को सप्लाई करते थे। किसी जमाने में नमक जो है बहुत प्रेशियस कमोडिटी होता था, और ये ऑस्ट्रिया का राजा इतना महत्वपूर्ण होता था कि आपको जान के आपको पता ही होगा, सब इतिहास से जुड़े हुए हैं, नेपोलियन की वाइफ जो है वो भी ऑस्ट्रियन थी, और हिटलर भी ऑस्ट्रियन था, वो जर्मन नहीं था, वो ऑस्ट्रियन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ये जर्मनी के साथ आ गए और उनको हार हो गई, इसलिए ऑस्ट्रिया अब बहुत इंपॉर्टेंट देश नहीं रहा है। इधर आप गैलिशियंस देख सकते हैं, ईस्टर्न कैल्ट देख सकते हैं, गॉल देख सकते हैं, ऊपर ब्रिटेन मैंने आपको बता ही दिया, और एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम मैंने आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं आइल ऑफ मैन, मेरा एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। ये आप इतिहासकारों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, इसको आइल ऑफ मैन भी कहते हैं, और ये जो कैल्टिक लोग हैं इसको मनु का द्वीप मानते हैं, और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अंडर में, खाली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए माना जाता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, आप मेरे इस लेक्चर के बाद आप जरूर जाके देखिए, द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड वो आइल ऑफ मैन की रही है, आज भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ इलेक्शन होते हैं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, छोटा सा द्वीप है, कुछ घंटों में आप घूम सकते हैं, लेकिन कल्चरली ये इतना स्ट्रॉन्ग देश है कि आज भी वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, और वहां भी कैल्टिक के बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था। अब हमारे में से अनेक लोग हैं जो समझ नहीं पाते यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ब्रिटिश आयल, इनमें क्या अंतर है,
उसको समझना जरूरी है। तो ये जो ब्रिटन्स हैं, ये सारे लोग हैं जो भगवान परशुराम के समय के गए लोग हैं। और ये देखिए, ये है, ये स्कॉटलैंड है, इधर आयरलैंड है, ये आइल ऑफ मैन है, ये सब ब्रिटन्स हैं। और नीचे भी ये जो है, यहाँ देखिए, ये गॉल देश आ गया है। उसके बाद में जर्मनी से और स्कैंडिनेवियन कंट्री से जो है ये लोग एंग्लो सैक्सन्स जो है वहां पर गए, वो बस गए वहां पर, और वहां उन्होंने राज्य स्थापित किया है। आज वर्तमान स्थिति ये है, जिसमें आयरिश दिखाया है ऊपर, स्कॉटलैंड में पिक्स और बेलरेडा दिखाया है, और ब्रिटेन दिखाया है। देखिए, ब्रिटेन के अंदर ये वेल्स आता है और नीचे कॉर्नवेल आता है, और नीचे भी ब्रिटेन दिया, जो फ्रांस के अंदर है वो ब्रिटेन है। ये जो फ्रांस के अंदर ब्रिटेनी क्षेत्र आता है, ये आज भी अपने आप को फ्रांस से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि किसी जमाने में ये ब्रिटेन के शासन में होता था। एक ब्रिटेन के राजा ने अपनी प्रिंसेस की शादी फ्रांस के प्रिंस से कराई, उसके बाद इसको गिफ्ट करा गया। लेकिन आज भी वहां के जो द्विज हैं, जो मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, वो लिखते हैं ब्रिटेनी वाया फ्रांस। आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी वो लिखते हैं ब्रिटेनी वाया फ्रांस। अब मैं बहुत अधिक नहीं बताने वाला, लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये वहां के गुरुओं ने दी है मुझे, ये मेरी अपनी खोज नहीं है, ये वो वहां के गुरु हमें देते हैं। तो भगवान परशुराम को क्या बोलते हैं, आप देखिए, वहां की ओल्ड केल्टिक लैंग्वेज है, उसमें जगदीश बोलते हैं, हम भी बोलते हैं जगदीश, वो जगदीश बोलते हैं, दंदा बोलते हैं। और ये देखिए, ब्रिटेन में दाऊदा बोलते हैं। इसी तरह भगवान परशुराम को, तो उनको दंदा क्यों बोलते हैं? हमें पता है कि वो जो क्षत्रिय धर्म को नहीं, क्षत्रिय धर्म जो राजा नहीं उस पे खरा उतरता था, उसको वो हटा देते थे। दूसरा, हमें एक शब्द मिला जो शुरू शुरू में मेरे अध्ययन के अंदर मिला, वो था देवऋषि। आप ये देखिए, ओल्ड केल्टिक में ल्यूगस मतलब, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब देवता होता है, और ये देवऋषि लिखा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप देखिए देवऋषि, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या लिखते हैं, वो ल्यूगस किंग ऑफ गॉड्स, देवता जो देवताओं का राजा है। हम भी बोलते हैं देव के ऋषि, देवऋषि। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केवल दो उदाहरण दिए, और आशुतोष जी ने इनमें से अनेक कौन का बताया। भगवान शिव को करुणोस बोलते हैं, और भगवान विष्णु के अवतार जो हैं उनमें मत्स्य देवता को सैल्मन ऑफ इन्फ्यूज्ड नॉलेज बोलते हैं, फिश अवतार, सैल्मन ऑफ इन्फ्यूज्ड नॉलेज। इसी तरह वारा देवता को बोलते हैं दी बोर ऑफ दी बैटल। आपको पता है वारा, बोर का मतलब वारा ही होता है, और वारा देवता ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला था युद्ध करके, इसलिए बोर ऑफ दी बैटल है। और हमारे वामन देवता है, उसको दी ड्राफ ऑफ विजडम, वो बौने भी हैं और ज्ञानी भी हैं। और भगवान परशुराम को दंदा दगदीश, गॉड विद पेंटाकल लेग्स एंड कोल्ड्रॉन। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कल्कि भगवान को भी पूज रहे हैं। लेकिन हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि वो भगवान परशुराम के समय के गए हुए हैं, क्योंकि वो हमारे विष्णु देवता के इतने अवतारों को पूछ रहे हैं, कल्कि भगवान को भी पूछ रहे हैं, भगवान परशुराम को पूछ रहे हैं, लेकिन वे लोग भगवान राम को नहीं जानते, भगवान कृष्ण को नहीं जानते। अब आप दाएं और जाइए, इसमें भी हमने देखा है वो धन्वंतरी को पूछते हैं, धनु देवी है, लुगस मतलब देवता, देवऋषि, इंद्र भगवान को लह बोलते हैं, लह प्योर संस्कृत शब्द है, मनु को पूछते हैं दैत्य। और सबसे मजे वाली बात यह है कि उनकी जो पौराणिक भाषा है जो लुप्त हो चुकी है, वो भारत की आगम भाषा है। भारत में जो संस्कृत के विद्वान है वो जानते हैं आगम भाषा क्या होती है, भारत में भी ये लुप्त भाषा हो चुकी है आगम भाषा। और जो जैन धर्म में भी आगम भाषा कहलाती है, जैन, मुझे बताया गया है कि जैन धर्म में भी आगम भाषा को पौराणिक भाषा मानते हैं। ये गॉडेस ब्रिटेनी है। आप में से
कई लोग हरियाणा से हैं। ये 50 पेंस का कॉइन है, आपको इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, अभी भी चल रहा है। आप उसके अंदर ये गॉडेस ब्रिटनी की का को देख सकते हैं, सिंह पे विराजमान है, त्रिशूल है और एक ढाल है। ये ढाल क्या है उस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये गॉडेस ब्रिटनी कौन है? ये गॉडेस ब्रिटनी कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रा काली है, इस पे हम आगे चलेंगे। ये भद्रा काली है, भद्रा काली की महत्व हरियाणा वाले सब जानते हैं। भद्रा काली जो कुरुक्षेत्र में एक शक्तिपीठ है, ये भद्रा काली है। ये उन्होंने साइक्लिक सर्कल ऑफ लाइफ है, इसमें अनेक पर्व हैं, हमने उनके पर्वों का अध्ययन किया। हमने ये अध्ययन किया कि जितने भी चर्च के पर्व हैं उन्होंने इन्हीं केल्टिक लोगों से लिया, क्योंकि हमारा ये अध्ययन है कि ये रामायण काल के भी पहले से गए हुए लोग हैं। अब रामायण काल कब हुआ था ये आप विद्वान लोग जानते हैं, मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं उनकी कोई तिथि दे नहीं सकता, ये आपको अध्ययन करना है। और क्यों है? क्योंकि जितने भी चर्च के पर्व हैं उन्होंने इन्हीं केल्टिक लोगों से लिए हैं, और ये केल्टिक के सारे पर्व हिंदू पर्व हैं। उसमें एक पर्व का मैं उदाहरण दूंगा आप, और वो जो मैं उदाहरण दूंगा एक सामान्य से सामान्य भारतीय को समझ में आ जाएगा। और इस केल्टिक साइकिल ऑफ लाइफ को अभी हमें चर्चा नहीं करूंगा, और कभी हम कभी चर्चा करेंगे। ये उनका पौराणिक चल रहा है, इसको बोलते हैं केल्टिक क्रॉस। ये चर्च का क्रॉस नहीं है, लेकिन चर्च ने यहीं से इसको कॉपी किया है, इस पे भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ये केल्टिक क्रॉस कराता है, और अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे केल्टिक क्रॉस, तो ये कोई लोग कहता है कि सेंट पैट्रिक ने दिया, लेकिन ये केल्ट्स कहते हैं ये 10,000 से भी पुराना चिन्ह है, ये केल्टिक क्रॉस है। ये उनका एक बहुत पौराणिक मंदिर है जहां मैं खुद गया, ये मेरे लिए भी तस्वीर है। स्कॉटलैंड के आगे एक द्वीप है जिसका नाम है आयोना, वहां पर मत्स्य अवतार का मंदिर था जिसको बाद में चर्च ने ले लिया, ये वहां की तस्वीर है। अब मैं केवल एक पर्व के बारे में बताऊंगा, आप सब समझ जाएंगे क्योंकि ये हमारा पर्व है। उसको वो क्या बोलते हैं, लुग आषाढ़ या लुग अमास, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ये कोई हाइड करने वाली चीज नहीं है। और हम क्या बोलते हैं उसको, हरियाली अमावस्या। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाली अमावस्या हम लोगों ने मनाई, जो 4 और 5 अगस्त को भारत में मनाई थी हमने। तो लुग आषाढ़, देखिए उसमें लग का मतलब देवता है, ये संस्कृत का शब्द है। आषाढ़ का मतलब हमारे यहाँ आषाढ़ का महीना, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है हमारा, और वही पर्व को वो बोलते हैं लुग्न अमास। लग का मतलब देवता, अमास का मतलब अमावस्या, न्यू मून। तो अमावस्या भी 4 और 5 अगस्त को मनाई गई, तो ये हमारा हरियाली अमावस्या का जो पर्व है उनका एक प्रमुख पर्व है। ये स्थान तारा आयरलैंड में है। ये जो द्विज लोग हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उनका प्रमुख आश्रम था। जैसे भारत के अंदर आश्रम में राजा का प्रवेश कर सकता था, लेकिन वहां उसका राज्य का कोई आदेश नहीं चलता था, तो ये वहां के जो द्विज हैं उनके आयरलैंड का प्रमुख स्थान था जिसका नाम तारा है। और ये शिवलिंग है, ये वहां के राजा की गद्दी का स्थान माना जाता था, और राजा को वो लह बोलते थे, मतलब लह का मतलब जो इंद्र है उसको इंद्र मानते थे। और यहाँ पर जो भी द्विज लोग जो गुरु को मान्यता देते थे, जिस राजा को मान्यता देते थे और मशाल जला देते थे, तो पूरे आयरलैंड में उस राजा को पूरा आयरलैंड अपना राजा मानता था। इसकी इतनी बड़ी महत्ता है, और इसका संबंध उज्जैन से कैसे है ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। सब कुछ मेल खाता है उज्जैन से, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेल नहीं खाती है। आप में कई लोग हिस्टोरियन हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजी के भी हैं, उसी तारा परिसर का, ये जैसे उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी है, ये तारा परिसर अपने आप में एक ऑब्जर्वेटरी थी। और उसके अंदर ये देखिए न्यू ग्रेंज है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि इजिप्ट के पिरामिड से भी पुरानी है। मैं खड़ा हूं, आप देखिए ऊपर 2 रोशनदान है, इन रोशनदान से
अंदर जो सूर्य की किरणें हैं केवल उत्तरायण के समय में ही जा सकती हैं। इसका विस्तृत उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक में किया है। ये अपने आप में इनके जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर हमारा अलग प्रेजेंटेशन है। पूरे यूरोप में जहां जहां इन केल्टिक लोगों के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारा अलग से उसके ऊपर प्रेजेंटेशन है। ये वहां के द्विज गुरु हैं, आयरलैंड के द्विज गुरु हैं। देखिए उनका कैंप लग रहा है, उनके ये धार्मिक चिन्ह है। और ये जो चिन्ह हाथ में लेके खड़े हैं ये तीन मत्स्य देवता को मानते हैं। जैसे हम त्रिदेव मानते हैं मत्स्य देव का, तो तीन मछलियां हैं उसका चिन्ह है। और ये देखिए वो तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। मैंने पूछा आप तीरंदाजी का प्रशिक्षण क्यों लगाते हैं, आज के मॉडर्न काल में तो बंदूक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा पौराणिक, हमारा धनुष बाण जो है हमारा हथियार है, इससे हमारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अब हम उसके सोशल स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ आश्रम होते थे लेकिन हम जानते नहीं हमारे आश्रम में क्या अध्ययन होता था, हमारे सप्त ऋषि हुए क्या पढ़ाते। आज भी वहां आश्रम चलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा है। और जैसे हम डिग्री देते हैं बीए एमए पीएचडी की, वैसे ही वो डिग्री देते हैं। तो सबसे पहले जो डिग्री होती है तो बार्ड है। तो ये बार्ड कौन है, हमारे यहाँ चारण होते हैं, भाट होते हैं और बाराड होते हैं। ये बाराड है, कोई शब्द में प्रोनाउंसिएशन में कोई भी अंतर नहीं है, ये बाराड है। हमारे यहाँ कौन हुआ, चंद्र बारडाई, चंद्र बारडाई पृथ्वीराज चौहान के जो चारण थे वो चंद्र बारडाई, ये बाराड है। भारत में, राजस्थान में हमारे बहुत बाराड है। तो पहली डिग्री बारड की देती थी। इसमें विस्तृत में कितने साल क्या पढ़ाते उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध बार्ड कौन हुआ, शेक्सपियर हुआ। और जब मैं ब्रिटेन में था तो हमें पता लगा वहां बार्ड्स के गांव बसे हुए हैं, गांव के गांव आज भी हैं वहां पर बार्ड्स के। उसके बाद अगली जो कक्षा है वो ये अंग्रेजी की स्पेलिंग, क्योंकि रोमन अल्फाबेट से ये शब्द व्रात्य है, भारत में भी व्रात्य है, हमारे जैन मुनिवरों को व्रात्य बोलते हैं। इनका काम पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को पूजा करना, एक तरह से उस कार्य में जो होते हैं उनको व्रात्य बोलते हैं। ये ही करा सकते हैं और कोई अधिकृत नहीं है पूजा पाठ कराने में। भारत में भी हम व्रात्य बोलते हैं, कई लोग वत्स लगाने लग गए, व्रात्य बोलते हैं वत्स लगाने लग गए। आखिर में ये द्विज हैं, ये द्विज हैं। भारत में भी द्विज होते थे, वहां के लोग जो है राजा के सलाहकार होते थे, जजेस होते थे, डॉक्टर होते थे और सबसे प्रमुख लोग होते थे। चाहे अगर बार्ड का भी कोई प्रशिक्षण चल रहा है तो उसको सुपरवाइज ये द्विज ही करते थे। आज भी अनेक ड्रुइड्स हैं, पूरे यूरोप में ड्रुइड्स हैं, पूरे अमेरिका में है, कनाडा में है, पूरे विश्व के अंदर ड्रुइड्स हैं, आज भी हैं। ये ब्रिटनी है जहां पर मैंने, आप मुझे इसमें देख सकते हैं। और ये बीच में एक अग्नि पात्र रखा हुआ है, वो पूजा कर रहे हैं। इसके अंदर पहले जो गुरु है चार दिशाओं में जाके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, फिर सात फेरे लेते हैं, इसके चार बार परिक्रमा करते हैं और उस दौरान ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन ओम जैसे हम बोलते हैं वैसा ओम नहीं करते हैं, पहले अ का उच्चारण करते हैं, फिर दो बार फेरे लेते हैं, फिर उ का, फिर म का, ऐसा करके स्प्लिट करके ओम का उच्चारण करते हैं। ये उनका, क्योंकि उनको आज भी चर्च शहर में पूजा नहीं करने देता, इसलिए उनको जंगलों में जाना पड़ता है, वहां जाकर के ये पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए स्वास्थ्य, ये ब्रिटेन का एक स्थान है जिसका नाम है ब्रेडफोर्ड के पास है, इल्कली जगह नाम है। वहां पर इस तरह के देखिए स्वास्तिक मिल रहे हैं। और ये साथ में मैंने नक्शा आपको इसलिए दिखाया है कि ये जो इसका नाम हमने स्वास्तिक नहीं रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर ये स्वास्तिक चिन्ह है। इसको आज गवर्नमेंट ऑफ यूके इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इस रेंज जो पहाड़ी है इसका नाम ही स्वास्तिक स्टोन और स्वास्तिक रेंज है। ये वहां की सरकारी मैप है, यहाँ मैं खुद जाके आया हूँ और ये मेरी फोटो ली हुई है।
ये मैप वहां के स्थानीय लोगों में है, इसका नाम स्वास्तिक स्टोन है। वैसे ही जैसा मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था, ये फ्रांस के अंदर ब्रिटेनी है, गौरिनिस है, आप इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं गौरिनिस, इसके अंदर भी आप, मैं खड़ा हूं बीचों बीच में, आप देख सकते हैं। लेकिन वहां की जो सरकार है इन सारे मेगालिथ स्ट्रक्चर्स को बरियल पेसे बोलते हैं कि ये गाड़ने की जगह है, मृतकों को गाड़ने की जगह है। लेकिन वहां के द्विज कहते हैं ऐसा नहीं है, ये हमारे पौराणिक स्थल है। और दाहिनी तरफ जो पत्थर देख रहे हैं इसमें भी उत्तरायण के समय में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं और आखिर में जाके इस पत्थर तक पहुंचती हैं। ये देखिए कैसे सूर्य की किरणें कितनी दूरी तक जाती हैं और आखिर में वो जो पत्थर है जो एक चिन्ह है या देवी का चिन्ह है या किसका चिन्ह है उस पे जाके गिरती हैं। और उसी ब्रिटनी की जगह ये भी एक देखिए पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मैं भी यहाँ दाहिनी ओर खड़ा हूं, बीच में एक ड्रुइड है और एक हमारे साथ जो गए थे वो है। तो ये विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर है। पहले लोग सोचते थे कभी कोई एलियंस आए होंगे, आते या उतरते होंगे। बाद में एक हमारे वहां से प्रोफेसर आते हैं, ब्रिटेनी के प्रोफेसर, हम आपको आपके यहाँ भी ला सकते हैं, उन्होंने उसका अध्ययन किया। ये देखिए कैसा ये पत्थर है और ये पूरे साल का कैलेंडर है। आपको इसमें महीने भी पता लगेंगे, आपको बुआई कब करनी है, कटाई कब करनी है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि है। इतना पौराणिक कैलेंडर विश्व में आज तक नहीं मिला। मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहता हूं, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं बाकी जो है उनके ऊपर एक एक दो दो स्लाइड दिखा सकता हूं। मैं पुणे लौट रहा हूं और उसके बाद प्रश्न उत्तर के बाद आप समय देंगे, नहीं तो आगे कभी हम इस कार्यक्रम को रखेंगे। आपने अचानक इसको समाप्त कर दिया है मैं तो अभी और इंतजार कर रहा था क्योंकि इतनी सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये तो यहाँ भारत में तो कोई पढ़ाता नहीं है, और पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है जो इतिहास वो पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा नए सिरे से लिखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आवश्यक था, लेकिन मुझे लगता है एक तो स्लाइड्स अगर आप और जरा दिखा दें तो फिर उसके बाद। हाँ जी जी, मुझे 10 मिनट और दीजिए। हाँ जी, मैं आ जाता। दस मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे और कुछ जिज्ञासाएं रखेंगे, और क्योंकि ये अचानक ऐसे लगा मुझे कि भी ये बात तो अधूरी रह गई। एक्चुअली समय आपका जो सीमा थी उसमें मुझे लगा कि मुझे समाप्त करना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो मुझे इसको पुनः वापस इस पे आना पड़ेगा। एंटायर स्क्रीन शेयर हाइड कर दीजिए इसको। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन खोल लीजिए, बस प्रेजेंटेशन खोलिए, नहीं तो वो स्क्रीन दिखाई देती रही। वो प्रेजेंटेशन बंद हो गया, मुझे एक मिनट खोलने में लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है, जब से हमने भारत को इंडिया बना दिया तो इतिहास भी सारा बदल दिया है। ये इतिहास में शामिल होने दिखाई दे रहा है। जी जी, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसको जरा इनलार्ज कर लीजिए। जी हाँ, मैं कर लेता हूँ। हाँ, वो सारी स्क्रीन सारी आ गई। अब हम बाल्टिक कंट्रीज पे आते हैं, मैं इसको पूरा स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। हाँ जी, ये बाल्टिक कंट्रीज है। ये बाल्टिक कंट्रीज, अभी मैं आप
पूरे प्रेजेंटेशन के बाद ये सिद्ध कर दूंगा कि पूरे यूरोप के अंदर सनातन संस्कृति आज भी है। ये बाल्टिक कंट्रीज हैं जिसमें पोलैंड आता है, लेटविया, लिथुएनिया, इस्टोनिया, बेलारूसिया, और ये पौराणिक संस्कृति को प्रूशिया कहते हैं। इसको पर्शियन से कंफ्यूज मत करिए, ये पर्शियन कल्चर नहीं है, इसको प्रूशिया कल्चर बोलते हैं। एक समय था जब पोलैंड और लिथुएनिया ने मिलकर के रशिया से भी बड़ा राज्य था। आप देख सकते हैं फ्रॉम बाल्टिक सी टू ब्लैक सी ये इतना बड़ा राज्य होता था, रशिया इससे भी छोटा राज्य होता था। सबसे पहले जब मैं इनके गुरु से मिला तो उन्होंने कहा हम तो राजपूत हैं। आई वाज शॉक्ड, मेरे कल्पना के बाहर था कि एक विदेशी बोल सकता है हम राजपूत हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वैदिक कल्चर है, वो भी उसमें भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और आज के ये देखिए, ये बाल्टिक कंट्रीज है, प्रूशियन कल्चर का दोबारा मैंने उसको आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये एक विशाल राज्य था, उनकी भाषा प्योर संस्कृत है। आज भी वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, वो संस्कृत हमको भी समझ में नहीं आती है, उसका हमने बहुत विश्लेषण किया है। वो लक्ष्मी जी को पूछते हैं, काली माँ को पूछते हैं, भगवान सूर्य देवता को पूछते हैं, हवन करते हैं, और सारे हमारे पर्व भी उनके निकल के आ रहे हैं। मैं क्योंकि सबसे पहले जब वो मेरे यहाँ जयपुर में आए तो मैं उनको सिटी पैलेस लेके गया, तो वहां एक पर्व हो रहा था, दिसंबर के महीने में पौष मास होता है, तो यहाँ राजस्थान में एक पर्व होता है जिसको बोलते हैं पौष बड़ा बोलते हैं, पौष जिमो। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा भी पर्व है। मैंने कहा आप क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा हम इसको पौष जिमो बोलते हैं, यहाँ राजस्थान में ये जीमण बोलते हैं, तो पौष जिमो पौष जीमण एक ही बात है। तो इस तरह से हमें पता लगा वो कल्कि भगवान को भी पूछते हैं, लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं, काली माँ को भी पूछते हैं, और सारे शब्द उनके समय संस्कृत में निकल के आने लगे, उनकी पूरी वैदिक कल्चर है। मैं जब लिथुएनिया में गया तो वहां पर उनका विवाह भी वैदिक परिस्थिति में होता। ये देखिए, ये पोलिश लिथुएनिया जो कॉमनवेल्थ था वो कितना बड़ा था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा था, रशिया से बड़ा था। और ये फोटो मेरे लिए भी है, देखिए विवाह हो रहा है, हथलेवा हो रहा है, और ये गुरु माता है जो फेरे करवा रही है, ये चार फेरे लेकर के करवाती हैं। वहां पर 90% लोग ईसाई हो गए, उसमें से भी 90% चर्च में जाते ही नहीं है वो लोग, वो बिल्कुल चर्च में नहीं जाते, उनको चर्च में शादी के लिए जाना पड़ता है, जीवन में केवल 3 बार जाते हैं अधिकांश लोग, और शादी के समय क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद पुणे इन 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 गुरु लोगों के पास आता है कि हमारा वैदिक पद्धति से विवाह कराइए। ये देखिए, ये चार फेरे लेके विवाह हो रहा, और उनकी जो एक गायक है उस वो वंदे मातरम आके भारत में गाती है, देखिए भारत में आके वंदे मातरम गाती है। सबसे पहले जो जिनसे हम मिले ये वहां के एम्बेसडर हैं, भारत के एम्बेसडर थे, आप मुझे बाईं ओर खड़ा हुआ देख सकते हैं, और अब ये वहां के फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, वहां के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जब हम वहाँ लिथुएनिया में गए तो हमें कहा कि भारत, क्योंकि भारत में कोई जानता नहीं है, तो मुझे भारत से दिखाने के लिए कुछ लोगों को साथ ले जाना पड़ गया, तो मैं चिन्मय पंड्या जी को ले गया। हमारे चिन्मय पंड्या जी को आप सभी जानते हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर हैं, गायत्री परिवार से, उनको लेके गया मैं, और भी कुछ कई लोगों को लेके गया। और वहां पर वहां के जो एम्बेसडर थे, उस समय लिथुएनिया में एम्बेसी नहीं होती थी, वॉर्सो में जो एम्बेसडर थे ये अजय बिसारिया जी हैं, उनको बुलाया, उन्होंने काउंसलर को बोला कि मैं तो मुझे तो पता ही नहीं है, काउंसलर ने रिपोर्ट की कि हमने तो शादियां देखी हैं यहाँ पर, तो वो खुद चल के आ गए। देखिए अजय बिसारिया जी बैठे हुए, मैं बाई तरफ बैठा हूं, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा प्रीति भोज दिया, कहते ये मेरे कल्पना के बाहर है कि मैं जिस देश का एम्बेसडर हूं, मुझे ही नहीं पता यहाँ का, यहाँ पर वैदिक कल्चर है। और वहां पर पहले भारत में कॉन्सुलेट में थी, बीचों बीच में आप देख रहे हैं, उन्होंने मुझे लिथुएनिया में कई मिनिस्टरों से मिलवाया। ये वहां की गुरु माता है, और ये प्रभावशाली लोग भी हैं। देखिए ये यहाँ मिस्टर गिंतारस हैं, ये किसी जमे वहां
लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे वो भी इसी समुदाय से हैं। अब ये जो लिथुआनिया में जिन्होंने हमें घुमाया, आज हम आज यहाँ पर भारत की एम्बेसडर होके आ गई है। आप कल्पना करिए हमने कितना मेहनत की होगी। और इन्होंने मुझे पिछले सितंबर में भारत के अंदर एक प्रशंसा पत्र मुझे प्रदान किया कि आपने दोनों देश को मिला दिया। ये देखिए ये प्रशंसा पत्र है, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय दिया क्योंकि बहुत सारे देशों के बारे में बताना है। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसिल्वेनिया, हंगरी, रोमेनिया। तो ये जो हंगरी के लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो चौहान राजपूत हैं, सब कुछ मेल खा रहा है। जो भारत में चौहान राजपूत हैं उनकी कुल देवी सांभर में है, वो जो सांभर में देवी है, और ये शाका भी कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं, भारत में शाक आए थे, तो शाका अम्बा शाकाम्बरी माता वो उनकी कुल देवी है। और राजस्थान में आप देखिए कोटा में, बूंदी में, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, ये सारे किंगडम सारे चौहान राजपूतों के हैं। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहां जाट भी हैं, वहां गुजर भी हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम मैं कोटा में करा रहा था, कोटा में जो यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर एक सज्जन खड़ा हो गया कि मैं गुजर हूं लेकिन मैं हून हूं। मैं सूरत में था तो वहां एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने वैसे ही बताया कि इस तरह से हंगरी के लोग हैं, वो कहते हैं हम चौहान हैं, और वो कहते हैं हम राजपूत हैं और हमारा संबंध भारत से है। तो वहां आखिर में एक सज्जन आए और उन्होंने कहा मैं चौहान हूं लेकिन हम अंगार हैं। ये सूरत की बात है, वहां पर उनकी एक बहुत अच्छी धर्मशाला है। तो मैंने जो हंगरी के गुरु हैं जिनसे हमारा संपर्क है, हमने उनसे कहा कि वहां पर एक चौहान मिले हैं सूरत में, वो कहते हैं हम अंगार हैं। तो उन्होंने कहा उसको उससे संपर्क बनिए, मैं आऊंगा तो उनसे मिलूंगा, हम लोग अंगार ही कहलाते हैं। बहुत लंबा विषय है, मैं और आगे चलना चाहता हूं। ये जैसलमेर का जो राज्य घराना है उनकी कुलदेवी है, देखिए हिरण को पूछते हैं और हंगरी वाले भी हिरण को पूछते हैं। ये शाकंभरी माता है, ये माँ के गुरु हैं, वो आए मुझे दर्शन करने शाकंभरी माता के, ये उनकी कुलदेवी हैं। और मैंने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में हिस्ट्री विभाग में लेक्चर कराया उनका। हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है नई चीज को खोजने के लिए, लेकिन शायद पहली बार उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि जो भारत के चौहान है वहां पर गए, वहां पर सबसे पहले राजा अटिला गया, उसके बाद मैंने गांव में जाके पूछा तो वहां के गांव के लोगों ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ, वहां की महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा हम हजार साल पहले भारत से आए और किंग अर्पाद के साथ आ पाए हम लोग आए। और हंगरी के जो गुरु हैं उनका कहना है कि जो चौहान है उन्होंने यूरोप में 32 देशों को स्थापित किया, 32 कंट्रीज ऑफ यूरोप इन चौहानों ने स्थापित करे यूरोप में, इंक्लूडिंग हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना। अब मैं स्लेविक्स पे आता हूं। जो स्लेविक्स है वो आप देखिए रशिया में है, यूक्रेन में भी है, रशिया में, लेकिन आज युद्ध लड़ रहे हैं, बेलारूसिया में है, बहुत सारे जैक रिपब्लिक में है, बहुत सारे देशों में, क्रोएशिया में है, मैसिडोनिया में है, इतने देशों में स्लेविक है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये देखिए किस तरह से ये स्लेविक यूरोप में फैले। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी पूरी संस्कृति को अगर आप अध्ययन करना है तो आपको विष्णु पुराण पढ़ना होगा। आपने अगर विष्णु पुराण पढ़ा है तो ही आप स्लेविक की संस्कृति को जान सकते हैं। उनके वहां भी माउंट मेरू है, वहां पर मैं एक और आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये देखिए ये चित्र, इनकी भी सृष्टि की यही कल्पना है। ऊपर चार देवता हैं और आकाश है, आकाश को वो गगन बोलते हैं, जो नीला आकाश है उसको वो गगन बोलते हैं, और देवी है जिसको पृथ्वी को मोक्ष बोलते हैं, हम हमारे मृत्युजनों को मोक्ष धाम लेके जाते हैं। इसी तरह इस वृक्ष के बगल में एक सफेद पत्थर है जो शिवलिंग है,
पास में एक कुआ है जिसमें सफेद द्रव्य है, जैसे हम शिवलिंग के ऊपर सफेद द्रव्य डालते हैं, और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? एक विशाल पक्षी है जो सर्वेश्वर है, वो उसको ग्रिफिन बोलते हैं। नीचे सांप है, वो जो सर्प है उसको वलवृत्ति बोलते हैं, हम लोग भी वलवृत्ति बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है। गगन भी वही है, वलवृत भी वही है, भगवान शिव भी वही है, शिवलिंग भी वही है, ये पूरी संस्कृति ये स्लेविक्स की है। और अगर आप स्लेविक और केल्टिक को मिला देंगे तो 75% ऑफ यूरोप सनातन संस्कृति में आ जाता है। ये देखिए ग्रीस, मैसिडोनिया, इटली, हम इस पे आ जाएंगे। तो ये जो रोम के हैं, एक इनकी पुस्तक है, वहां के जो हैं वो पितास कहलाते हैं, वो कहते हैं हमारा ईसाइत जो है हमारे यहाँ फॉरेन रिलीजन है, हम उसको मानते नहीं। और वो बृहस्पति जी को पूछते हैं, उनके अनेक अनेक समानता है। ये देखें, ये वहां के टेंपल है, जुपिटर टेंपल, बृहस्पति जी को पूछते हैं वो लोग। ये देखिए अग्नि पूजक हैं, और जो रोम का फाउंडेशन डे है वो रामनवमी को मनाते हैं। ये जुपिटर का टेंपल है, वो गुरु लोगों को पिता बोलते हैं। एपोलो को पूछते हैं, मित्रास को पूछते हैं। ये ग्रीस के लोग हैं, ये हेलिन्स हैं, आप मुझे देख सकते हैं बीच में, मेरी पत्नी भी है साथ में, ये वहां के गुरु हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई। देखिए पूजा, जब हमें पूजा वगैरह दिखाने लेके गए, आप देखिए पूजा की सामग्री रखी हुई है। और इतना ही नहीं, विष्णु के अवतार हुए, जिनको हयग्रीवा बोलते हैं, वो वहां उनके देवता हैं, ये विष्णु अवतार हैं, हयग्रीवा उसको सेंटोर बोलते हैं। और ये आर्मेनिया, ये देखिए आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया वाले कहते हैं हम तो आर्यन है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये देखिए कैस्पियन, जहां पर कश्यप ऋषि का प्रभाव रहा, ये पूरा क्षेत्र, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे आर्मेनिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो रशिया हो, तुर्कमिस्तान हो, ये सारा प्रभावित है। ये देकारनी टेम्पल है आर्मेनिया में, ये सूर्य मंदिर है। और ये आर्मेनिया के एम्बेसडर, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, आप मुझे देख सकते हैं। और ये अजरबैजान में सूर्य मंदिर है, ये देखिए ये सूर्य मंदिर अजरबैजान में। और ये येजदी है, येजदी जो कहते हैं हम तो भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, खुल के बोलते हैं। इराक में, कुर्गिस्तान के रीजन में रहते हैं, सिंजौर में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं आप। और किसको मानते हैं? कार्तिकेय को पूछते हैं वो लोग। ये देख सकते हैं ये कहाँ रहते हैं ये लोग, पहले ये पूरा क्षेत्र उनका होता था, अब छोटे से रीजन में रह गए, उनके बहुत अत्याचार होते रहते हैं। और ये ड्रूज है जो इसराइल में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, लेबनान में रहते हैं, जॉर्डन में रहते हैं। ये भगवान कृष्ण को पहुंचते हैं, उनकी पोशाकें बिल्कुल जैसे मुस्लिम समुदाय पहनते हैं वैसे ही वो पहुंचते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इजरायली अपनी सेना में केवल इन ड्रूज को अपनी सेना में लेते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। आज भी ये लोग देखिए कहाँ कहाँ रह रहे हैं, गोलान हाइट्स में रह रहे हैं, लेबनान में रह रहे हैं, सीरिया में रह रहे हैं, जॉर्डन में रह रहे हैं। ये भगवान कृष्ण के पूजक हैं। ये रोमा है, ये पूरे यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है। आप देख सकते हैं हम बुदापेस्ट में वहां के एम्बेसडर के साथ हैं, मैं एम्बेसडर के साथ बीच में बैठा हुआ हूँ। ये रोमा में भारत के गए हुए गाडुलिया लोहार है, घुमंतु जाति के लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा ये लोग पूरे यूरोप के अंदर है। मेरी जो पुस्तक लिखी उसको गवर्नमेंट से उसको पेटेंट हो चुका है, इस पे मुझे दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान भी मिला। ये मैंने संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुति की है, आपको कोई प्रश्न करना है आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये तो बहुत शॉकिंग और आई ओपनर आपका आपकी प्रस्तुति है। और इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कितने लोगों को इस सारे विषय की जानकारी होगी। और जितना आपने इन देशों को घूमा, समझा, देखा, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जो रिलीजियस हेड्स हैं उनसे आपने जो चर्चाएं की हैं,
उसको मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट के रूप में हमें उसे सुस्थापित करना चाहिए, उसके ऊपर अधिक से अधिक काम होना चाहिए, और जो शोध छात्र हैं पीएचडी करने वाले वो उनको इस तरह के काम करने चाहिए। तो मुझे मालूम नहीं है कि अभी स्थिति क्या बनेगी, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक बात रही है, और देखते हैं इसको अभी हम कैसे अग्रसर कर सकते हैं। तो उससे पहले बीच में किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी हो, चाहते हो, डॉक्टर विनय सिंघल हैं कैथल से आरकेएसटी कॉलेज में। मैडम विनय जी, सर नमस्कार। सर ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, और मेरा बेटा इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड है, और वो मेरे साथ है, हम लोग सेमिनार इकट्ठे सुन रहे थे, वो भी इस चीज में कुछ बताना चाहता है। जी जी, सबको नमस्ते। मेरा नाम देवांश है सर। मैं सुन रहा था, मैं आपने जो बातें कही, मैं काफी टाइम से मित्रास के बारे में और ये जो लटेवियन और रशियन और संस्कृत के बीच में जो समानताएं हैं उसके बारे में पढ़ता रहा हूं। तो मैं खाली शेयर करना चाहता हूं, पता नहीं ये किस हद तक यहाँ पे प्रासंगिक है, बट जो हम क्रिसमस मनाते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में 25 दिसंबर को, मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा कि ये पहले जो मित्र देव की पूजा करते थे, जो रोमन सोल्जर्स थे वो मित्र देव की पूजा करते थे, मित्रास की, जो कि बेसिकली सूर्य देव हैं। तो 25 दिसंबर को सूर्य अपने अगर हम सोलर कैलेंडर को देखें सबसे ज्यादा चरम पर होता है, और तो ये 3 दिन तक पुराना एक फेस्टिवल था जो कि क्रिश्चियंस भी मानते हैं, इट वाज अ पेगन फेस्टिवल। ये एक जो कि मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे उनका फेस्टिवल था, जो कि इनके सोल्जर्स पूजा करते थे। तो वैसे वास्तव में ईसा मसीह का जन्म अप्रैल के आसपास स्प्रिंग में हुआ था, बसंत में, लेकिन ये पुराना मित्र देव का ये एक फेस्टिवल मनाते थे, तो इन्होंने क्रिसमस को भी तभी मनाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता ये कितनी हद तक सही है, बट मैंने ऐसा पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, सही गलत को तो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ये संभावना है तो मुझे लगता है इस संभावना के लिए आपका साधुवाद है, इस संभावना को सामने लाने के लिए। और मैडम विनय के माध्यम से आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस विषय पर आप जरूर हमारे साथ संपर्क में रहें, और मैं चाहूंगा कि माथुर साहब के साथ मिलकर के इस विषय को थोड़ा सा अग्रसर करने का प्रयास करें। बिल्कुल, मैं क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, मैं खुद शोध करने का प्रयत्न करता हूँ, काफी कम किताबें हैं इसके बारे में, मतलब कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मिले संस्कृत से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम कहीं भी देखें ये पारसी सभ्यता में कहीं भी हर जगह हमें संस्कृत मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू। धन्यवाद आपका है, आपने सुना, और संपर्क में रहें। निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है कि जो इस तरह का दायित्व ले सकते हैं और जिनकी रुचि है, तो ये हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है कि आप जैसे व्यक्ति जो हैं वो इसमें रुचि ले रहे हैं। जी, डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी फॉर्मर आईपीएस हैं, और वेद के ऊपर बहुत इनका सघन ज्ञान है और बहुत विषय के पंडित हैं। जी सर। मैंने मुख्यतः ज्योतिष और भूगोल के माध्यम से इस पर काम किया है जी, लेकिन 1930 में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से दो लोगों का पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, एक पंडित मधुसूदन ओझा की पुस्तक थी इंद्र विजय, उसके पृष्ठ 400 पर, मैंने वर्तमान एडिशन के पृष्ठ 400 पर लिखा है कि सूर्य मंदिर था एक रूस में, उसका अनुमानित स्थान भी उन्होंने लिखा कि इस स्थान पर था। उसी वर्ष उसी प्रेस से मेरे पिताजी का एक लेख छपा रूसी भाषा और भारत, उसमें उन्होंने प्राय 3000 रूसी शब्दों की सूची दी थी जिनका अर्थ आज भी वही है जो कि वेद में था। और मेरा रिसर्च था कि जैसे ज्योतिष में कुछ स्थानों के निर्देश दिए हुए संदर्भ नगर है, जैसे उज्जैन से 90 डिग्री पूर्व में ये था, 180 डिग्री पूर्व में ये था, वो मैं खोज रहा था कि आधुनिक काल में आजकल वे नगर कहाँ पर है। तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 40वां अध्याय में लिखा है
कि जहाँ पूर्व दिशा का अंत होता है उसका चिन्ह देने के लिए ब्रह्मा ने वहां एक द्वार बनाया था। तो मैं एक बार बेटे के पास कैलिफोर्निया गया था, तो वहां एक पुराना घोस टाउन था, तो मेक्सिको के एक आर्कियोलॉजिस्ट से मैंने पूछा कि इस उज्जैन से मैंने पूर्व दिशा का अंत होगा 180 डिग्री पूर्व में, उस स्थान पर कौन सा पिरामिड या स्ट्रक्चर है। तो उसने कहा कि पता नहीं है, एक हफ्ते बाद उसने जवाब दिया कि वहां एक सबसे पुराना पिरामिड है जिसको पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड कहते हैं। भारत में ब्रह्मा को कहते हैं कि ब्रह्मा देवानांग प्रथमम संभव हुआ, उसका अनुवाद है कि पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड, तो आज भी उसी स्थान पर है। तो उसके बाद मैंने देखा कि जितने टाइम जोन के इंटरवल थे, बाउंड्री लाइन, उन सब पर या तो सूर्य का मंदिर था या वहां मेरु था, लंका था। तो आज भी पूरे संसार में लंका नाम के 18 नगर हैं, और जहां जहां नक्शा बनाने का रेफरेंस था मेरु नाम के प्राय 25 स्थान हैं। मैंने उन सब की सूची बनाई थी जहां तक मिल सका। अच्छा। तो मधुसूदन ओझा और मेरे पिताजी ने जो 3000 वैदिक शब्दों का रूसी भाषा में लिखा था, उन्होंने कमेंट किया था कि रूस में भी सूर्य पूजा के समय बिहार में ठेकुआ कहते हैं, वहाँ पैनकेक अंग्रेजी में कहते हैं, वो बनाया जाता था सूर्य पूजा के लिए, जैसे बिहार में छठ में बनता है। वो एक दो शब्दों के अर्थ के प्रसंग में उन्होंने कहा था। मधुसूदन ओझा जी ने जो स्थान बताया, उसी स्थान पर 78 साल के बाद रूस का पुराना सूर्य मंदिर मिला जिसको अर्काइम कहते हैं। अर्क का मतलब सूर्य होता है। और उसके अतिरिक्त मैंने कई जगहों के पुराने नामों के, जैसे पूर्वी यूरोप जो था वहां के निवासियों को दानव कहते थे डेन्यूब नदी के आसपास, पश्चिम वालों को दैत्य कहते थे, उनसे डच हुआ है, ड्यूट्स हुआ है। तो ये सामान्य है, कुछ लोग जगहों के प्राचीन नाम है, जैसे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में नागों के कौन कौन सी जातियां रहती थी उनका आज भी उसी नाम से है। जैसे मेक्सिको में नहुस गए थे, उनको पाताल भेजा गया था, तो नहुआ जाति है उनके वंशज। अस्तिक नाग जो थे उनके वंशज एजटेक कहलाते हैं। बलि का लिखा है कि वो भोगवती नदी किनारे भोगवती नगरी में रहते थे, वो नगरी आज भी उसी नाम से है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, स्पेनिश में बोगोटा हो गया है, और वो बोगोटा नदी किनारे है, भोगवती का स्पेनिश रूप है बोगोटा। तो कई स्थान आज भी पुराने नाम से है, लेकिन कई जगहों पर वो नष्ट हो गया, जैसे उत्तर अमेरिका में नष्ट हो गया है, मेक्सिको में बचे हुए हैं, पेरू कुजको वगैरह में बचे हुए हैं। पेरू में जहां पर ब्रह्मा का स्थान था, एक ब्रह्मा पुष्कर द्वीप में रहते थे, लिखा है वेद में और पुराणों में, वो कुजको था, वहां से चार दिशाओं में हाईवे जाते थे, अभी उसको कुजको कहते हैं, उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। तो मैंने ये सब पुराणों के संदर्भ से खोजा था जो कि आज भी है, जैसे उरुग्वे का उरुगाया शब्द आज भी अथर्ववेद में प्रयुक्त है, जहां पर गाय ज्यादा हो उसको उरुगाया कहते हैं। आज भी उरुग्वे में ही प्रति व्यक्ति गायों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैंने पुराणों के पुराने संदर्भ खोजे थे। तब इसको आप प्रकाशित करें ना, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और बड़ी उपयोगी सूचनाएं हैं, क्योंकि देखिए ये सारी जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसीलिए है कि जो वर्तमान नैरेटिव है उसको हम बदल सकें, उसको चुनौती दे सकें। ये इतना व्यापक ये संदर्भ है, इनको हम कैसे मुख्य धारा में लाएं, ये एक सबसे बड़ी हमारे सामने एक समस्या है। और आप जैसे विद्वानों के पास इतने सूचना संग्रह है, इसको प्रकाशित करें, इसको सामने लाएं और प्रयास करके फिर हम जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ थोड़ी सी चर्चा करें। हालांकि बदलते नहीं है, वहां भी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही हाल है तो, लेकिन ये है कि ये बहुत मुझे लगता है अनिवार्य सूचनाएं हैं जो आपके पास हैं, तो इसको तो जरूर आप साझा भी करें और इसको किसी तरह से प्रकाशित करें या नेट के ऊपर डालें, अगर आपका अपना कोई ब्लॉग है या और जो भी संभावनाएं हैं। नहीं तो जिस वक्त हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जो है ये सूचनाएं आप अपने नाम से डालें। जी तब तक विदुषी विशुद्धि फिल्म्स की ओर से मैडम जी अपने को अनम्यूट कर ले मैम।
नमस्ते माथुर साहब को मैं जानती हूँ और उनको पहले भी सुना है और आई होप सर अभी यही है। जी जी बिल्कुल यही है। एक तो ये लेक्चर बहुत हमेशा सुनना उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, इतना वाइड और अपना खुद का एक्सपीरियंस्ड जो चीजें हैं वो बताते हैं। एक मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये जो सोच है आजकल जो छोटे छोटे पॉकेट्स में ये अलग अलग हमारे पूर्वज वहाँ रह गए हैं और अपने दर्शन और अपने जो रिचुअल्स हैं वगैरह को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो जो इंटरेक्शन होता है उनका यूरोपियंस के साथ, अब उसको वो कैसे हैंडल करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि हमें भी यहाँ समस्याएं आ रही हैं और वो लोग तो काफी वर्षों से उन समस्याओं को झेल रहे हैं और ये कैसे अपने आप को सर्वाइव करे हुए हैं। एक एक बात है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि लेकिन ये बड़ा आश्चर्य देने वाला उदाहरण था कि मैं एक हॉलीवुड फिल्म देख रही थी जूलियस सीजर की, उसमें जूलियस सीजर के सामने गॉल्स की सेना है और आखिरी रात है और गॉल्स जो हैं वो अब हारने वाले हैं, उनको पता है हम हारने वाले हैं, तो उनका दर्शन देखिए उस हॉलीवुड डायरेक्टर ने इसको दर्शाया, मुझे मालूम नहीं कैसे वो गॉल्स ये डिसाइड करते हैं पुरुष कि हमें अपनी महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, तो वो दरवाजे खोल देते हैं अपने किले के और कहते हैं इनको जाने दो, सीजर की सेनाएं इनको ले लेंगी, खाना पीना कुछ देंगी ताकि ये जिंदा रह सकेंगी और हम आखिरी दिन लड़ेंगे और मर जाएंगे। लेकिन वो महिलाएं जाती हैं, वो सीजर दरवाजे नहीं खोलता, ठंड में वो बुरे हाल से वापस आती हैं और इनके पास खाना नहीं है, गर्ल्स के पास खाना नहीं है, वो आई थिंक वो फिर सब मर ही जाते हैं। लेकिन जब आखिरी दिन होता है तो राजा कहता है गर्ल्स का, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ टू सीजर, आप सब बचे रहो और सो दैट द माई गॉड्स विल बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट द गॉड्स। उसने अपने आप, राजा ने अपने आप को वहां पर समर्पित कर दिया और बहुत बुरी तरह से उसका हाल हुआ और जंजीरों से बांधा गया और वो जो भी है। लेकिन ये जो दोनों में सोच है, उसने महिलाओं, सीजर ने महिलाओं को शरण तक नहीं दी, भूखी और बड़े बुरे बदहाल थी, बिल्कुल दया नहीं आई, और इधर इस राजा ने अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर दिया, दुश्मनों के हवाले अपने आप को, ताकि उसके गॉड्स प्रोटेक्ट हो जाएं। ये सोच जो है ना इतनी डिफरेंट है, तो कैसे ये यूरोप में जी? बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी, माथुर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी ऐसे ही माथुर साहब ने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन और वो इटली के कोई धर्म गुरु थे और वो अपना एक्सपीरियंस यही बता रहे थे जो मैडम ने अभी साझा किया कि चर्च की क्रुएल्टीज के आगे उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो उनके संप्रदाय ने सर्वाइव किया है और अग्नि पूजक वो लोग हैं। मुझे ऐसा उस वक्त का ध्यान है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी ने उनके ऊपर जुल्म किए और फिर वहां से बचते हुए किसी तरह से वो जिस पर्वत पे वो रहते हैं और अपना उनका मंदिर है तो अभी भी जो है उनको जो है वो परेशान किया जाता है चर्च की ओर से और इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन माथुर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो केवल इतना अभी ध्यान है कि भी वो मैंने वो लेक्चर ऑनलाइन सुना था। मैं ठीक कह रहा हूँ माथुर साहब? हाँ आशुतोष जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो पितास कहलाते हैं और वो कहते हैं कि चर्च तो हमारा फॉरेन रिलीजन है, हमारा ओरिजिनल रिलीजन चर्च नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतिहासकार हो हैं या हिस्टोरियन है जो भी हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और है जी। इसको आप समझ लें, हमारा सारा शोध व्यक्तिगत संपर्क से हम करते हैं। उसका कारण यह है कि ये जो गुरु लोग हैं वो हजारों साल से संघर्ष कर रहे हैं और वो भी भारत में खोज रहे हैं कि हम किससे संपर्क करें जी। तो हमारा जो शोध है, हम पुनः उन कल्चर को हमारे साथ जोड़ने का संपर्क है। हमारा काम कोई पुस्तक क्लिक करके श्रेय लेने का नहीं है। अगर जैसे हमने लिथुएनिया को जोड़ दिया जी। और उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, वहां के एम्बेसडर ने खुद ने एप्रिसिएशन लेटर दिया, उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो कार्य हो रहा है दो देश को जोड़ने का कार्य हो रहा है,
तो वहां के लोग भी जो गुरुजन हजारों साल से संघर्ष कर रहे हैं वो भी इतने उत्साहित होते हैं कि अरे हमें हमारी, वो तो कह रहे हैं कि भारत हमारी दूसरी मातृभूमि है, वो खुद कह रहे हैं, हमने नहीं कहा उनसे, बिल्कुल। तो हमारा काम जोड़ने का है। अब उसके अंदर रिसर्च वर्क में हम आपको मदद चाहिए, कई चीजें हमें पता नहीं है, वो आप लोग बता सकते हैं। तो उस हमको इन संस्कृति को पुनः भारत से जोड़ने का काम है। हमारा काम पुस्तकों को प्रकाशित करने का नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पुस्तक लिखी कम से कम लोगों को एक विषय के बारे में जरा सी जानकारी मिले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और जैसा विशुद्ध जी ने बताया था वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम इन ड्रुइड गुरुओं से मिलते हैं जो ब्रिटनी के हैं, वो कहते हैं कि ये जो वॉर हुई, गॉल की वॉर हुई, जूलियस सीजर और उनका जो ट्राइबल किंग था उसका नाम था वर्सिंग टॉरेक्स, तो उन्होंने कहा ये केवल जो हिस्ट्री की पुस्तक अवेलेबल है वो केवल जूलियस सीजर ने जो लिखी है वही है, वो वन साइडेड हिस्ट्री लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो बता रही है उसमें बहुत कुछ सत्यता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जूलियस सीजर का जो सेनापति है उसको गॉल की सेना ने उसको मार दिया और जूलियस सीजर घबरा गया और उसने फिर गांव में अपनी सेना को बोला, वहां से महिलाओं और बच्चों को पकड़ के ले आया और फिर उसके राजा को बोला कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम इन सबको मार देंगे। तब उसके राजा ने, जिसका नाम वर्सिंग टॉरेक्स है, उसके नाम से आज पेरिस में चर्च भी है, फिर उसने सरेंडर किया, नहीं हमारे धर्म है, हमारा धर्म है कि हम महिलाओं और बच्चों को बचाएं। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इतिहास जो लिखा हुआ है, जो पिक्चरें बनी है, वो गलत है, हम उस पर एग्री नहीं करते हैं। ओके जी 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 बिल्कुल। उसका जो पिक्चराइजेशन करना है और फिल्म्स में जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं उसमें और हिस्टोरिसिटी में कई बार बहुत फर्क होता है। जी मैडम इंदु जी, और उसके बाद यदि कोई और अपनी बात कहना चाहे। सर नमस्कार, सभी को जय हिंद। जी सर ने इतना अच्छा जो बताया है, मैंने मेरे पास काफी पुस्तक का संग्रह है तो मैंने उसमें ऐसे ही प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखकर इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती कि अपनी संस्कृति कितनी दूर दूर तक गई हुई है। और आपने जो बोला कि इस पर रिसर्च वर्क, मैं कहती हूँ उसको हिस्ट्री के अंदर और साथ में जैसे एंशियंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को दोनों को मिलाकर उसमें समानांतर जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, उस पर रिसर्च के लिए बच्चों को देना चाहिए। सर ने खुद ने किताब लिखी है उसको भी लेना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर कोई जा नहीं सकता जो बताएगा, ये महान कार्य है ना। और ऐसे जैसे अगर कोई लिटरेचर के अंदर करता है, संस्कृत लिटरेचर में कुछ भी करता है, तो उसमें भी मिला के इस टॉपिक को यूनिवर्सिटी में लागू कर देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, जो आपका विचार है वो बहुत ही सराहनीय है, मैं तो ये कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रत्यक्ष माँ की चीजों के दर्शन कराए, धन्यवाद सर, बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद मैम। डॉक्टर अखिलेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुल साहब जी सभी को नमस्ते। नमस्कार। आज का लेक्चर माथुर साहब का बहुत ही अच्छा रहा और काफी सूचनाएं उन्होंने प्रदान की। मैं तो एक निवेदन सभी से ये करना चाहता हूं कि हम ये मान लें कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और भारत से ही आर्य लोग सारे विश्व में गए हैं और उन्होंने सभ्यताएं आरंभ की हैं। अगर हम ये सत्य बात को समझ लेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। महर्षि दयानंद ने 1875 में ही जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा था तो उसमें ये बात कही थी। तो अगर हम इन चीजों को मान के चलेंगे तो हमें इसकी जो है लिंक अपने आप जो है मिलती हुई चली जाएगी। मैंने जो छोटी पुस्तक लिखी है उसका आधार भी यही है। आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत बहुत आभार। आप अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आपको। ओके ओके धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी आप अपनी पुस्तक जो है माथुर साहब को जरूर भेजें। और माथुर साहब अखिलेश जी की जो पुस्तक है वो है भारत जो है वो विश्व सभ्यताओं की जननी है संस्कृति। नहीं अखिलेश जी ने भेजी है मुझे, मेरे पास है उनकी पुस्तक, मैंने पढ़ी है, बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, आभार आभार आपका। तो ये चलिए अच्छा संयोग बन रहा है
कहीं ना कहीं तो जाके इसका परिणाम जो है वो फलीभूत होगा, यज्ञ कर्म का जो है वो फल कहीं ना कहीं तो प्रकट होगा ही तो है, तो ये यज्ञ कर्म ही सारा का सारा। तो एनीवे, किसी और के कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई और अपनी बात कहना चाहता हो? विनोद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो अनम्यूट करेंगे एक सेकेंड। डॉक्टर विनोद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सबको। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस विशेष एक आग्रह करना चाहता था, विशेष रूप से आपसे इसीलिए आमंत्रित किया था। डॉक्टर विनोद कुमार जो है वो अध्यक्ष है लिंग्विस्टिक्स हिंदी विभाग के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में, तो उनको विशेष रूप से यही मेरा आग्रह था कि अपने यूनिवर्सिटी से इस बात की अनुमति जरूर लें कि इस तरह के जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको जब हम बुलाएं तो वो उनकी व्यवस्था और उनके लेक्चर्स कर सकें। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस सारे विषय पे? जी जी, एक तो सबसे पहले यही कि सबको नमन कर रहा हूँ। आपका ये जो प्रयास है ऋषि तुल्य प्रयास है, अनुष्ठान कहिए, ये महा अश्वमेध यज्ञ जैसे करते हैं, तो वैसे एक आपका प्रयास रहा है। हम हमेशा से आपके कार्यक्रमों में आकर के ज्ञान वर्धन करते हैं और ये आदान प्रदान जो सही संवाद है यहाँ उसका के प्रत्यक्ष रूप हमें देखने को मिलता है। बाकी रही बात यही कि मेरे मन में जो बात हमेशा उठती है, जो चर्चा होती है हमारी, ये है कि हम अनुसरण भी करें, मगर कार्यान्वयन भी करें। और ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम जहां जहां बैठे हैं वहां इस चीज को लागू करवाने का, करने का उपक्रम कर पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपने क्षेत्र में, अपने इस इंस्टीट्यूट में, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बावजूद कोशिश करूंगा कि जो विद्वान लोग हैं उनकी भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी संस्कृति को जानते समझते अध्ययन कर रहे हैं उनको यहाँ पर भी एक मंच मिले और जनता तक वो बात पहुंचे। तो बस इतना ही निवेदन था। बहुत धन्यवाद है जी। चलिए आखिर में मैडम मेघना से निवेदन रहेगा कि मैडम आप सुन रहे हैं? मैडम मेघना जी, क्योंकि आप आप गुरुकुल से जुड़े हुए हैं तो क्या इस तरह की डिग्निटरीज को हम वहाँ इनवाइट कर सकते हैं, उनके इंटरेक्शन वहाँ के फैकल्टी के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ? जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। और माथुर सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है, बहुत जानने मिला, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के शेयरिंग से भी, उससे भी काफी और दृष्टि खुली। मैं पहले लंबा समय नहीं लूंगी, लेकिन हमारे जो गुरु थे जैन मुनि श्री हितरुचि विजय जी महाराज साहेब, जो अभी नहीं रहे हैं लेकिन जिनकी प्रेरणा से ये गुरुकुलम शुरू हुआ था 30 साल पहले, उनकी मुख्य विचारधारा यह थी कि जैसे ये काल का एक स्वरूप दिखाया है कलयुग का, कि शास्त्र की बातें सभी लोग करेंगे लेकिन उसको आचरण में ऑलमोस्ट लुप्त हो जाएगी ये विद्याएं सभी। हमारे गुरुजी ऑलवेज कहते थे कि हमें खास जीवन में उतारना है ये ज्ञान, उसको जीवंत बनाना है। तो जस्ट उसका उदाहरण दे, हमारे गुरुकुलम में वसंत पंचमी के दिन विद्यारंभ संस्कार से हर एकेडेमिक ईयर शुरू होता है और बहुत सुंदर पूजा हवन होती है वो समय पे। फिर जो क्लासरूम्स हैं हर एक गुरुकुलम के कैंपस में, जमीन पे वो गोबर का लिपण किया जाता है, बच्चे खुद करते हैं, और उनकी दीवारों पे भी जो चूने का लाइम प्लास्टरिंग कार्य है वो होता है, और बैल घाणी सेटअप करके जो चूना पिसता है पुरानी पद्धति से, तो
गुरुजी हमेशा कहते थे कि सस्टेनेबिलिटी मींस में होना चाहिए, एंड्स में नहीं। अभी की जो मॉडर्न दुनिया है वो एंड्स में प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबल कर रही है, ग्रीन कर रही है, और उस मूवमेंट पे चली जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल पे ही केंद्रित है। जो भारतीय संस्कृति है वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ मींस के, जो प्रकृति है उससे संलग्न होकर जीवन के सभी आयाम, साइंसेस हो, इंजीनियरिंग हो, तो ऐसे भी जो कार्य है, ये मेरा एक सजेशन है कि जैसे शास्त्रीय प्रक्रिया है कि कोई भी चीज करने से उसको तीन तरह से विचारना चाहिए, तो ये जो एक्सपर्ट्स को भी हम स्कॉलर्स गुरुओं को बुलाएं, तो उसके जो तीन साइड्स हैं कि हेतु, स्वरूप और फल, कि ये कार्य करने का मुख्य हेतु क्या है, थोड़ा ज्यादा क्रिस्प इंस्टेड ऑफ मिल के ज्ञान बांटना, एग्जैक्ट हमें उसमें से क्या चीज खड़ी करनी है, उसका क्या तो सबका हित हो। क्योंकि जैसे गुरुजी भी कहते थे कि हम कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करते हैं जीव सृष्टि को दिक्कत देके, यू नो, वायुमंडल के जीव, जल के जीव ऐसे प्रवास भी करते हैं, तो हम एक सृष्टि को एक डिस्टर्ब करके सब काम कर रहे हैं, तो वो काम अगर जगत के लिए हितकारी हो तो उसको एकदम उसका गोल निश्चित करके, सेकंड स्वरूप के ये कैसे करेंगे, और थर्ड के इसका हम फल का एक क्या करें, फल का एक निश्चित स्वरूप, जिसमें इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सब विषय है ना जो एक एकेडेमिक बड़ी उम्र के वर्ग में रह जाता है, उसका फॉलो थ्रू हमें जो एक नई पीढ़ी क्रिएट करनी है, जो ये तत्व समझते 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 बड़े हों इस दुनिया में और इन डिस्कशंस को कल्चर में लाएं, डिस्कशंस में लाएं, तो वो पीढ़ी तक ये पहुंचे, तो ये सर आप सभी का जो ज्ञान है वो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो के बच्चों को पढ़ाने लायक कोई टीचिंग मॉड्यूल में क्रिस्टलाइज हो, तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये सभी चीज अडल्ट फ्रेंडली है, चाइल्ड फ्रेंडली स्वरूप में बहुत कम मटेरियल मिलता है, और अध्यापक तो अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, तो वो ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं कंटेंट, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने पर बहुत सारे अनुभवी स्थानीय विद्वान हैं जो पढ़ते ही उनको एग्जैक्ट वो उसका शास्त्रीय अनुसंधान ढूंढ सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ये सत्य है, हम अभी ये सब कार्य सत्य से जुड़े हैं, काल्पनिक डेवलपमेंट मॉडल से जुड़े हुए नहीं है। तो जहाँ जो व्यक्ति सत्य का आग्रह रखता है उनके हृदय को स्पर्श होके चीज आगे स्फुरित होती है। एग्जैक्टली यही चाहते हैं हम लोग भी, कि माथुर साहब का जो उद्यम है वो यही है कि इस तरह से जिन लोगों की जड़ें भारत से हैं, मूल जिनका भारत से जुड़ा हुआ है, उनको यहाँ पर उनका पुनः परिचय कराया जाए और यहाँ के लोगों को उसको उसका एक्सपोजर मिले, और जब ये एक्सपोजर मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है एक विश्व सभ्यता विकसित होगी और हमारी संस्कृति जो है वो ठोस रूप लेगी जी। तो और बच्चों को जब इस तरह से इंटरेक्ट करने का मौका लगेगा इन लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि वो उनके ज्ञान की वृद्धि भी होगी और वो एक दिशा भी उसमें जो है वो नहीं निकलेगी। तो ये एक दृष्टिकोण है कि सारे विषय को लेकर के, और इसमें आई थिंक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होके उसका स्वरूप कैसे, वो माथुर साहब के साथ मिलके, और अरुण जी हैं, अखिलेश जी हैं और बाकी सब लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो सभी के साथ मिलके एक इसका प्रारूप तैयार करेंगे। तो बाकी वो निर्भर करता है कि उनकी अवेलेबिलिटी कब है और माथुर साहब उनकी व्यवस्था आने की कब कर रहे हैं, तो फिर वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर लेंगे और वो निश्चित रखेंगे कि ज्ञान जो है वो सफल हो, उसको फल सहित हो, अफल नहीं छोड़ेंगे, निष्फल नहीं छोड़ेंगे, ये तो निश्चित है जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए धन्यवाद है आप सबका, बहुत बहुत आभार आप सब लोग जुड़े, और विशेष रूप से मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर जी का, जिन्होंने 37 देशों में यात्रा की इस सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इतना समय, इतना ऊर्जा और इतनी धन राशि लगाई, और अभी भी वो उतने ही उत्साहित हैं इस सारे कार्य को करने के लिए
तो हम लोगों के आभार के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और निश्चित रूप से हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज विषय की प्रस्तुति की है, हालांकि बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने हमें एक एक्सपोजर देने का प्रयास किया है कि इतना सारा जो है, इतनी सारी दिशाएं हैं और इतना सारा काम करने को है, तो उसके लिए उनको पुनः साधुवाद है। और देखते हैं कि इस सारे विषय को हम आगे विस्तार में कहाँ ले जा सकते हैं और कहाँ कहाँ किन किन संस्थाओं के साथ हम टाई अप करके उनकी विजिट को जो है एक रूप जो है यथार्थ रूप उसको प्रदान कर सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो निश्चित रूप से इस ये हमारा उद्यम सफल होगा, अर्थपूर्ण होगा। ये बात पूरी करने से पहले मैडम संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा कुंद्रा जी। जी मैम। मैं ऐसे हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, मुझे पहले भी आपके साथ सुनने का मौका मिला था, अभी मैं जुड़ी। तो मैं ये सारा जैसे सुनते हुए मेरे एक भाव से अंत में, थोड़ा मैडम लाउड बोलेंगे थोड़ा, या तो माइक पास कर लीजिए, आवाज बहुत हल्की है। अभी अभी ठीक है? हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही थी कि मेरा जैसे आपकी बातें सुनते हुए एक जो दिमाग में भाव आए, मैंने कहा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मुझे यहाँ एहसास हो रहा था जैसे हमारे भारत में ये देव और दैत्य वाला जैसे रहता है ना, तो देवता लोग तो अपने सारा कुछ बनाने, ये मैम एक बात कर रही थी कि सब कुछ सहेज के कुछ भी हो, कोई जीव चाहे जल का है या मीन्स आसमान, मतलब हर किसी की परवाह करते हुए हम लोग अपने आगे बढ़ना चाहते थे। पर जैसे कि हमारी प्रकृति में है कि हाँ देव भी होते हैं, दानव भी होते हैं, तो दानवों ने अपना धीरे धीरे वर्चस्व जो है वो ज्यादा विस्तृत करते हुए जो मतलब कि देव तुल्य मनुष्य ही कह लो है ना, जो थे अपनी संस्कृति में लगे हुए थे, वो धीरे 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 ऐसे कम होते, मे भी सारे संसार में फैले हुए थे, बट वो बिल्कुल ऐसे संकुचित सा होता गया, ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ अब उनको ऐसे ढूंढने, वो भी हम थोड़े से ही ऐसे लोग हैं जो उसको बचाने, उसको निकालने, उसको फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पर मतलब मेरे मन में ये देव और दानव वाली ऐसे वाली बात आई थी कि ऐसे हुआ कि उन्होंने विस्तार ज्यादा कर लिया और वो मतलब की जो गुस्सा और ये स्ट्रॉन्ग वाले थे उन्होंने अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड किया, और हम लोग अच्छा 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 सोचते हुए वो थोड़े संकुचित हो गए। ये चलिए ये संघर्ष तो शाश्वत संघर्ष है, लेकिन अपना हमें तो कर्म और अपना जो धर्म है उसका हम पालन करें। अच्छी बात आपने कही उत्साहवर्धक है और धन्यवाद है आपका। अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, थैंक यू। धन्यवाद मैम, आप जुड़े रहें इसी तरह के और उद्यमों में भी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते। जी सर, ऐसी पुस्तकों को एकत्र करके और आप इसको ना शोध के अंदर लगवाइए सर, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अपने देश की संस्कृति कितनी दूर दूर तक फैली हुई है, और स्वस्थ मनोभाव से, किसी द्वेषता के साथ नहीं, कि हम महाकाल पर हमारे जो वो संस्कृति है, स्वस्थ मनोभाव के साथ ऐसा करके आप अपनी वेबसाइट पे इसको डालिए सर। जी ठीक है मैम, ऐसा प्रयास करेंगे। तो चलिए धन्यवाद है आप सबका, बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से माथुर साहब का कि उन्होंने अपना ज्ञान, जो अपना अनुभव था, अपना ज्ञान था, वो हम लोगों के साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप सब साथियों का भी जिन्होंने इसमें प्रतिभागिता की, अपने विचार रखे और अपना समय भी दिया है, तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार। तो पुनः फिर मिलेंगे और चर्चाओं के साथ। थैंक यू सो मच, इसी तरह से जुड़ते रहें। धन्यवाद माथुर साहब, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद जी। और आपसे मैं संपर्क करूंगा और ताकि हम जो है इस विषय को जो है वो कार्य रूप दे सकें। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर लूंगा जहां जहां से हमें ये सारी जो है संस्थाएं, जिन जिन जहां जहां जिन जिन संस्थाओं में जो है हम उनको भेज सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू एवरीवन, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं।